मुखालफीन को पंजाब से भी जवाब मिल गया और कराची से भी। अब उनके लिए हिदायत की दुआ ही की जा सकती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चित्राल में जलसे से खिताब। लोहारी टनल अगले बरस जून तक मुकम्मल करने का ऐलान। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय हम मनसब गौतम बम्बा वाले को कराची जाने की इजाजत न देने पर भारतीय एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दावत को मंसूख करना मामूल बन गया है। अगर किस्सा खुला तो भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के लिए ईद से कबल 2 माह की तनख्वाह की अदायगी की मंजूरी दे दी। सार कॉन्फ्रेंस में VIP सिक्योरिटी के लिए 35 गाड़ियां खरीदने का भी फैसला। सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 12, 13 और 14 सितम्बर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। यूनान में शदीद बारिशों और सैलाब से 3 अफराद हलाक। बड़े पैमाने पर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। और यूरोप में दहशतगर्दी का मसला मुहाजरीन के आने से पहले का है। हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर बनाना होगी। मुहाजरीन के मसले पर तनकीद का सामना करने वाली जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुदल्लल जवाब।